मैट्रिक इम्तहानात में 908 नंबर लेकर गैर मामूली कामयाबी हासिल करने और अपने स्कूल में टॉप करने वाला ये नौजवान इकरार हुसैन है, जो सियालकोट के पसमानदा इलाके सुरखपुर से ताल्लुक रखता है। इकरार हुसैन गूंगा और बहरा है, लेकिन इस नौजवान का तलीमी रुझान काबिले दीद है। अपनी कामयाबी देख कर उसकी ख्वाहिश थी कि वो आला तलीम के लिए लाहौर जाए और पढ़ लिख कर बूढ़े माँ बाप का सहारा बने, लेकिन वसायल की कमी उसे तलीम जारी रखने की इजाज़त नहीं देती। हाँ जी, नवाज शरीफ मैं कहना चाहता है कि मैं पढ़ना चाहना वा, मैं गरीब माँ बाप का बच्चा वा, मैं पढ़ के कुछ अपने घर के हालात बदला, मैं मुल्क की खिदमत कर सका। मजदूर पेशा वालिद मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि उसने बमुश्किल बेटे को मैट्रिक तक तालीम दिलवाई, होनहार बेटे को तालीम से दूर करने पर उसे भी बहुत दुख है। मेरे को वसाला इतना ही, मैं बच्चे ने पांच मेरे निके निके बच्चे ने, मैं मसा दाल रोटी इन्हों की पूरी कर सकना वा, इनू अगे का जड़ा खर्चा है वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अहले मोहल्ला भी इकरार की तालीमी कारकर्दगी पर बेहद खुश हैं। वो कहते हैं कि कई इकरार को गलियों में क्रिकेट खेलता देखकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन वो भी उसे तालीमी मैदान में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। इकरार हुसैन ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, लेकिन अपने जज्बात का इजहार लिख कर जरूर कर सकता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी तालीम जारी रखे, लेकिन घरेलू हालात की वजह से वो मजबूर है और वो मुंतजिर है हुकूमती सरपरस्ती का। कैमरामैन उस्मान यूसुफ के साथ उमर एजाज, जियो न्यूज़, सियालकोट।